सच्चे जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब लोग आपकी उपस्थिति में आए हैं ताकि प्रभु आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हो और आपके अनुग्रह के अंतर्गत हमारी समस्याओं का समाधान हो और प्रभु आपका प्रेम और अनुग्रह हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमें आपके मार्ग में आगे बढ़ाए और हमारे परिवार में सब कुछ बेहतर करे ताकि प्रभु आपका नाम महिमा पाए। सब हाथ के कामों पर आशीष हो और आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो, आदर और महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा हम लोग वाचा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि पुराने नियम में लोगों के जीवन में परमेश्वर वाचा के कारण अपनी सामर्थ्य को काम करता था, कैसे अपनी सामर्थ्य से उनको छुड़ाता था और उनको फिर से मौका देता था कि वो जीवन में सही मार्ग में आगे बढ़े। और इसका पूरा 1500 साल का रिकॉर्ड है, 1500 साल लगे थे इस पुस्तक को कंप्लीट होने, बाइबल को। और ये 1500 साल के रिकॉर्ड में जो काम हुआ, फिर नई वाचा के अंतर्गत जब नई वाचा का आरंभ हुआ कार्य यीशु मसीह के आने से, वहां से उस समय में केवल पुराना नियम था और पुराने नियम में नया नियम। जैसा कि हम लोगों ने एक पूरी सीरीज अध्ययन की थी कि नया नियम पुराने नियम में, नया नियम पुराने नियम में गुप्त है और पुराना नियम नए नियम में प्रकट, ठीक है ना। ये जो अध्ययन किया था, ये अध्ययन अब आपको काम आएगा कि कैसे पुराना नियम नया नियम पुराने नियम में गुप्त चला आ रहा है और नए नियम में पुराना नियम प्रकट हो रहा है, कि परमेश्वर उनसे क्यों नाराज हुआ, उनकी सुधि क्यों नहीं ली, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहे, ठीक है, वफादार नहीं रहे, जिसे बोलते हैं बहुत सरल भाषा में वफादार नहीं। आप परमेश्वर के साथ कितने वफादार हैं, ये रिश्ते की बात है आपका परमेश्वर के साथ। देखिए दुनिया में क्या है, संसार में लोगों के पास ईश्वर को लेकर एक गलत माइंडसेट, वो लोग ये सोचते हैं कि हम चाहे कुछ भी करें, अपने मन की करें, सब कुछ करें, गलत सलत करें, उल्टा सीधा करें, दिन भर गालियां बकें और सब कुछ, हम ईश्वर का नाम ले लेंगे उसी वो गंदे मुंह। और ये शिक्षा कहां से आ रही है, पौराणिक शिक्षाएं उनके दिमाग में बैठी हुई, पूर्वजों से आ रही, पूर्वज भी ऐसे ही करते थे। लेकिन एक बात बताइए आपको, आप जब से बाइबिल का अध्ययन कर रहे हैं, किसी गाली देने वाले का नाम इस बाइबिल में आपको मिलता है कि उसने पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया? गाली देने वाले की कभी नहीं सुने, अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति। लेकिन आज के युग में जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग सारे गलत काम करते हैं, फिर भी कहते हैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते, पूजा पाठ करते, तो वो कौन सा ईश्वर है जिसकी वो पूजा पाठ कर, ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और इसका उत्तर चरित्र के ऊपर, बाइबल में इसीलिए चरित्र को बहुत मुख्य रखा गया, चरित्र कैरेक्टर, और इसीलिए पुराने नियम के जो लोग थे उनके जीवन के चरित्र को दिखाता है पवित्र आत्मा। ये चरित्र तुम्हारे अंदर होना चाहिए। यूसुफ को देखिए, पोतीपर की पत्नी ने पकड़ा, गलत का प्रलोभन मिला उसे, मौका मिला, लेकिन वो वहां से भागा। उसके कारण देखिए, सही काम करने के कारण उस पर गलत इल्जाम लगा, झूठा इल्जाम लगा, जेल में चला गया, लेकिन ये चीज उसके लिए खराब हुई कि अच्छी हुई, क्योंकि वहां से जेल से सीधा प्रधानमंत्री बना। तो ये देखिए कि परमेश्वर, आप जब सही रास्ते पे चलेंगे, आपको लगेगा कि दुनिया के लोग कहेंगे तुम्हें ये नुकसान, कोई नुकसान नहीं, परमेश्वर आपके नुकसान को आपके फायदे में बदलना जानता है, क्योंकि वो पावरफुल है, वो अपनी मर्जी पूरी करेगा। आज हम देखेंगे कि पुराने नियम में नई वाचा और पवित्र आत्मा, पुराने नियम में नई वाचा और पवित्र आत्मा, ये पुराने नियम में हम देखेंगे और इससे हमको ये समझ में आएगा। देखिए नए नियम में जब आप आते हैं तो नए नियम में आपको जो चीजें मिल रही हैं वो इनकम्प्लीट हैं बिना पुराने नियम, पुराने नियम में नया नियम है, वहां से नए नियम की शुरुआत हो। इसलिए
यीशु मसीह ने आकर पुराने नए नियम की सारी वाचाओं को, नूह से परमेश्वर ने वाचा बांधी, फिर अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधी, फिर मूसा के द्वारा इसराइलियों से परमेश्वर ने वाचा बांधी, ये जितनी भी वाचाएं हैं ये सारी वाचाओं को यीशु मसीह ने आकर पूरा कर दिया। तो नए नियम में वाचा का वाचा की को पूर्ण करने वाला प्रभु मिलता। तो हमें प्रभु मिल गया, ये अध्ययन करने से ही हमको प्रभु मिलेगा और आपको कुछ करने से नहीं मिलेगा। यही एक मुख्य विषय है। पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का संबंध बहुत जटिल है और बहुत से बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक अभी भी सारी पेचीदगियों को समझ नहीं पाए, कोई नहीं समझता और अभी इतनी आसानी से समझ में आएगी भी नहीं। हम जितना चलेंगे उतना ही तो हमारी समझ में आएगा, और अगर हम चलेंगे नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पेंतेकुस्त से पहले पवित्र आत्मा का कार्य इस समस्या का एक हिस्सा है। लोग आज के युग में लोग पवित्र आत्मा को मिस इंटरप्रेट करते और दूसरों को वही गलत शिक्षा देते। इस बात को समझने के लिए हमको इस भाग में आना बहुत जरूरी है। नई वाचा के आधार पर वादा किए गए लोगों का आनंद सभी युगों में, जो लोग बॉर्न अगेन हुए, हर युग में लोग बॉर्न अगेन हुए, खाली इस युग में नहीं, हर युग में। पुरानी वाचा से ही आ रहा, बॉर्न अगेन हुए लोगों को लोगों द्वारा लिया गया है लाभ का आनंद। उन लोगों ने लिया हर युग में, किसी भी वाचा को आप ले लीजिए जो बॉर्न अगेन हो गए थे। बॉर्न अगेन का मतलब जिन्होंने परमेश्वर के दृष्टिकोण को अपनाया, संसार के दृष्टिकोण को नहीं अपनाया। नूह के जमाने से भी आप शुरू करेंगे तो नूह के जमाने में दुष्टता इतनी बढ़ गई थी और वो बाइबल के अनुसार वो पहला कलयुग था। आज तक लोगों को कलयुग का आरंभ और अंत नहीं पता है, क्योंकि हर पुस्तक में इस कलयुग के बारे में अजम्पशंस हैं, अनुमान लगाए गए, लेकिन एक्चुअल पहला कलयुग कहां था और उस युग में परमेश्वर ने जल प्रलय से पृथ्वी को सब नष्ट कर दिया और उसके प्रमाण आज भी, साइंटिफिक एविडेंसेस आज भी हैं और वो बहुत गजब के हैं, इंटरनेशनली वो रखे गए हैं और उनसे पता चलता है कि वो कलयुग था और बहुत एडवांस था साइंटिफिकली। और उस युग के लोगों को परमेश्वर ने उनके उस एडवांसमेंट के बावजूद खत्म कर दिया, मिटा दिया था, जल प्रलय सब खत्म हो सारी चीजें। सेम वैसे ही जैसा नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगा, मनुष्य के पुत्र के युग में भी वही होगा जो नूह के। सारा एडवांसमेंट 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी सब खत्म, आकाश की शक्तियां ले जाएंगी सारे, ये जो आपको सैटेलाइट वगैरह ये सब जगह छोड़ देंगे, सब बेकार हो जाएंगे। और ये पक्का होने वाला है। जो लोग इन चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं उनकी डिपेंडेंसी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये सत्यता है, अभी नहीं समझ में आ रहा लेकिन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इनमें विश्वास द्वारा औचित्य पाप, यानी औचित्य का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हो रही है। किस पर, क्या विश्वास करने से? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। ये विश्वास करने के कारण हमें पापों की क्षमा मिलती है, इसी को जस्टिफिकेशन बोला गया है और इसी को बोलते हैं विश्वास का औचित्य। और ये हम लोग देखते हैं कि विश्वास द्वारा औचित्य यानी जस्टिफिकेशन, पापों की क्षमा, जिसे पौलुस ने रोमियो की पत्री 4:6-7 पद में बताया है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय जी
6 अध्याय का 6 और 7 पद पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की गुलामी में या दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ये काम हमारा विश्वास करने से हो जाता। यीशु मसीह हमारे उस पापी स्वभाव को लेकर मर गया, तो परमेश्वर को हमारे उस पापी स्वभाव से प्रॉब्लम थी ना, तो वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हम जब विश्वास करेंगे कि ये हमारा उद्धार करता है, इसने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया, वरना हम जीवन में कभी भी परमेश्वर को परमेश्वर कह ही नहीं सकते थे, पिता कह ही नहीं सकते। तो ये काम करके उसने हमको परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित किया ऑन बिहाफ ऑफ क्रूसिफिक्शन। क्रूसिफिक्शन के कारण हम धर्मी घोषित किए जा रहे। धर्मी है नहीं, धर्मी होना, धर्मी घोषित होना दोनों अलग बातें हैं। हमको परमेश्वर डिक्लेयर कर रहा है कि जाओ तुम धर्मी हो, लेकिन ये हमारे लिए चैलेंज है। चैलेंज ये है कि अब हमको परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ना है ताकि परमेश्वर की निंदा कोई ना। एक बार आपको धर्मी डिक्लेयर किया और आप प्रतिदिन वही जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे, कह रहे हैं हम प्रभु में, तो ये किसकी निंदा होगी? देखिए दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं किसको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों को पहचानती हैं और उसके सच्चे बंदों को पहचानती है, और जो नहीं होता है उसे भी पहचानती है। क्या करेंगी? दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की निंदा करेंगे तो आप दुष्ट आत्माओं का शिकार हो जाएंगे और कोई नहीं छुड़ा सकता। ये परमेश्वर की ओर से, देखिए पुराने नियम में भी यही बताया गया है कि जब शाऊल के ऊपर परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ राजा घोषित करके, तो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर से हट गया, तो परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आके उसको सता गया। देखा है ना, आगे जाके वो एग्जांपल्स रखेंगे सामने। तो दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से ही आएगी और आपको परेशान करेगी और आप जी नहीं पाएंगे, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई आपका हल नहीं होगा। आत्मा के बारे में यहुन्ना के दृष्टिकोण और इब्रानियों के कुछ जो लेसन हैं, कुछ उसके पाठ हैं, उनमें आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। वहां पर कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेगी। यहुन्ना के का दृष्टिकोण और इब्रानियों के कुछ पद हैं। पेंतेकोस्त मुझे उतना परेशान नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लूका ने पेंतेकोस्त सुबह 9 बजे पहली बार पवित्र आत्मा के मानवीय परिस्थिति में प्रवेश करने के बारे में सोचा था। ना ही पेंतेकोस्त को ऐसे बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया गया जहां लोगों का बॉर्न अगेन होते हैं, लोग यहाँ नए सिरे से जन्म होता है, इसको पुनर्जनन भी बोल सकते हैं, या उन्हें बताया जाता है। ये गवाही को सशक्त बनाने के लिए परमेश्वर की आत्मा के एक नए और व्यापक सभी प्राणियों पर उंडेले जाने का खुला उद्घाटन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रेतों के काम 1 अध्याय के 8 पद में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। स्टीफन जो है नए नियम में, स्टीफनास जिसे बोलते हैं, उसने पेंतेकोस्त के बाद के समय के यहूदियों के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक टिप्पणी की, और वो टिप्पणी क्या की, प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 51 पद में है। प्रेरितों का काम 7 अध्याय और उसका 51, हे हटीले और मन और हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया?
उन्होंने उस धर्मी के आगमन का किसका, यीशु मसीह का, जो भविष्यवक्ता थे उन्होंने, यानी भविष्यवक्ताओं ने उस धर्मी के यानी यीशु मसीह के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। यानी लोग पवित्र आत्मा का आरंभ से विरोध आ रहा। ये इजरायली लोग भी करते, यहूदी लोग, और आजकल सब लोग कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कैसे करते विरोध? सुनते मानते नहीं, ये विरोध है। आप परमेश्वर का खतना रहित का मतलब बहुत बड़ी मीनिंग है ये। अब आप देखिए कि नई वाचा की बात, ये नई वाचा है जो यहां पर वो बोल रहा है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि स्तिफनस और लूका ने पीढ़ी दर पीढ़ी यहूदियों के पवित्र आत्मा का विरोध करने के बारे में सोचा था, जैसा कि पेंतेकुस्त के बाद के युग के यहूदियों ने किया था? पहले से भी वो विरोध कर रहे थे, बाद में भी विरोध शुरू से आ रहा है। पौलुस खतना रहित हृदय के मूल भाव को उठाता है और कहता है कि सच्चा खतना हृदय का है, ठीक वैसे ही जैसे सच्चा यहूदी होना हृदय का गुप्त मामला है। यानी सच्चा यहूदी कभी भी ये किसी को जताएगा नहीं कि वो यहूदी। सच्चे यहूदी का मतलब क्या है? कभी किसी को ये पता ना चले कि आप कौन, आप किस जाति के। और आज के जमाने में तो लोग अपनी जाति प्रकट करने में सारी शक्ति लगा रहे और इसे बड़ा अच्छा मानते हैं। ये जाति आती का परमेश्वर के सामने कोई महत्व नहीं है, उसने इंसान बनाया था, तुम इंसान बनो बहुत बड़ी बात है। ये जातिवाद केवल राजनीति का पार्ट है, इससे मनुष्य को मिला कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, सब पीड़ित रहते हैं और हमेशा पीड़ित रहेंगे। तो यहां पर पौलुस ने इस विषय को उठाया, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो अपने आप को प्रकट करता है कि मैं यहूदी हूं, यहूदी वो नहीं है, और ना वो खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वो है जो मन में, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। आप कहेंगे ये तो नए नियम में लिखा है। आपको मालूम है पौलुस पुरानी वाचा को मानने वाला कट्टर व्यक्ति था, पुराने नियम का कट्टर व्यक्ति, फरीसी था वो पंथ का, और वो इस बात को लिख रहा है। और वो ये लिख कहां से रहा है? जिस समय उसने ये बात लिखी, ये पहली बार लिखी है, उसने नए नियम का सबसे ज्यादा हिस्सा उसी ने लिखा। क्यों? क्योंकि वो पुराने नियम की शिक्षा अपने समय के सबसे बहुत मशहूर और बहुत काबिल शिक्षक का चेला था, वो चेला बना, तब जाके वो बाद में मसीह का चेला बन गया। तो उसके पास पुरानी वाचा के विषय में बहुत स्पष्ट ज्ञान था। दूसरे शब्दों में अगर हम इस चीज को देखें, ये शब्द नए प्राणी या नए मनुष्य के अनुरूप है। वे वास्तव में नए व्यक्ति को चिन्हित करते हैं जो परमेश्वर के साथ उद्धारकारी संगति में है। और पुराने नियम में भी हृदय के खतने वाले लोग ही बॉर्न अगेन माने जाते थे और उनके साथ ही परमेश्वर का अनुग्रह काम करता था। सबके साथ नहीं, जो उसमें सही नहीं होते थे उन पर परमेश्वर का क्रोध आता था, ये भी चीज साथ साथ दिखाई जा रही है। लेकिन पौलुस केवल उस सत्य को दोहरा रहा है जिसे पुराने नियम ने स्पष्ट किया था। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10 अध्याय, व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय और 10 अध्याय का 16 पद पढ़िए। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले
देखिए ऊपर हेडिंग पड़ी है परमेश्वर की मांग। पुरानी वाचा में परमेश्वर की क्या मांग थी, लोगों से क्या चाहता था? अपने अपने हृदय का खतना करो। हृदय के खतना से क्या मतलब? जिद्दी मत बनो, जिद्दी मत बनो। हटीले का मतलब आप जो जानबूझ के खिसिया के कर रहे हैं वो जिद है। आपको मालूम है ये जो क्रोध होता है ना, जो व्यक्ति तुरंत क्रोध में आ जाता है उस इसका मतलब वो जिद्दी स्वभाव का है। ये बाइबल के अंदर की शिक्षा बता रहे हैं आपको, जो झट क्रोध में भर जाता है, तुरंत गुस्से में आ जाता है, वो जिद्दी स्वभाव का होता है। जिसके अंदर जिद भरी होती है ना उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि गुस्सा जिद का ही एक रूप है। और इसीलिए इसको हृदय का खतने से इसको कंपेयर किया जाता है। जब आपके अंदर से ये वाली चीज खत्म हो जाती है तब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय से निकल जाता है, प्रेम निकलेगा। और इसीलिए ये इस पद को हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें 10:16 में मूसा ने स्टीफनस की तरह अपील की, अपने हृदय का खतना करो और अपनी गर्दन को और कठोर मत बनाओ। वास्तव में वो किस बात के लिए कह रहा था? या यर्मिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय, यर्मिया नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 4 पद पढ़ेंगे। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हां अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसको, जब आप परमेश्वर आपको एक बार क्रोध करेगा ना, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह इसी बीच में आ जाता है, परमेश्वर के क्रोध और हमारे बुरे स्वभाव के बीच में प्रभु यीशु मसीह इस बलिदान के साथ आ जाता है, क्रूस आ जाता है। तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाता है और वो हमको मौका देता है, चलो अब सुधर जाओ। लेकिन इंसान की ऐसी फितरत है, जो उसका जो नेचर है, फितरत का मतलब उसका बेसिक नेचर, वो इतनी जल्दी उसके अंदर से मरता नहीं है कि मैं है। और इसे मरने में ये पार्ट पार्ट करके मरता है, पार्ट पार्ट करके। और इसको परमेश्वर एक तरीके से आपको हर चीज में फंसा फंसा के, पराजित करा करा के आपको हार मनवाता है। और ये हार इसलिए मनवाता है क्योंकि ये हार आपकी विजय होती, तभी आप विजयी होंगे। इसलिए परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर के कार्य परमानेंट काम होते हैं जो हमारे जीवन में करता है। एक और पद पढ़िए, यहेजकेल 18 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक, यर्मिया के बाद यहेजकेल में आइए, यहेजकेल 18 अध्याय, 18 अध्याय का 31 पद पढ़िए, 31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो और अपना मन और अपनी आत्मा, आत्मा बदल डालो, तो बड़ी बात है। मन बदलने में ही आपको बहुत समय लगता है, और आत्मा बदलना, मनुष्य की आत्मा की जगह परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपके हृदय में आना, ये है आत्मा बदलना। और ये आपके वश में है ही। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे, परमेश्वर किसी की अनंत मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। जब फिजिकल डेथ होती है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं हुआ, वो बॉर्न अगेन नहीं हुआ और उसकी फिजिकल डेथ हुई, तो वो अनंत मृत्यु में चला गया, और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर चाहता है ये बॉर्न अगेन होने के बाद इसकी फिजिकल डेथ हो, ताकि इसकी आत्मा को परमेश्वर अनंत जीवन में ले ले अपने साथ, आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाए। कहने का मतलब ये,
अब यहां से अब देखिए कि एक नई आत्मा हमारे अंदर चाहिए। मुझे लगता है कि पुराने नियम के ये सभी पाठ और उनके जैसे अन्य पाठ नई वाचा के वायदे को वर्तमान में साकार करने के लिए कह रहे हैं। जब मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। यहेज के 36 अध्याय उसका 26, 27 और 28 पद पढ़िए। अब देखिए परमेश्वर ये जिम्मेदारी ले रहा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। इसका मतलब हम अपने मन को नया नहीं कर सकते जी, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं जी, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। परमेश्वर ही के हाथ में चली गई सारी बाजी, इसमें बताइए आप क्या कर सकते, समर्पण कर सकते हैं ना। आपके हाथ में सिर्फ एक बात, आज्ञाकारी बनो, समर्पण, समर्पण और आज्ञाकारी, समर्पण और आज्ञाकारी, इतने में परमेश्वर सारा काम कर लेगा आपके जीवन। और यही दो काम हम आज के लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि मनो कान की खतना रही तो सुनते रहेंगे, कोई मानेंगे कुछ, टस से मछलियों में वो रोज अपने अपने जिद में बने हुए कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। यर्मिया और यहेजकेल और मूसा ने भविष्य के लिए इस महान छुटकारे के कार्य की भविष्यवाणी की थी जब उन्होंने पूरे राष्ट्र से बात की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति पहले से ही इसका अनुभव नहीं कर सकता था, यानी पुराने नियम में भी लोगों ने अनुभव किए बॉर्न अगेन होने का। मूसा ने आने वाले दिन की भविष्यवाणी की है जब प्रभु तुम्हारे हृदय और तुम्हारे वंशों के वंशजों के हृदय का खतना करेगा, ताकि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे हृदय और अपने पूरे प्राण से प्रेम करो, ताकि तुम जीवित रहो। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय उसका 6 पद, मूसा के द्वारा परमेश्वर यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहा है, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो 10 आज्ञाओं को उसने 2 आज्ञाओं में बदल दिया, अपने बलिदान से वो सारी चीजें पूरी कर दी, सारी डिमांड्स पूरी कर दी, और हमें 2 आज्ञाएं दी, तुम परमेश्वर से प्रेम करो, और इस बात का सबूत कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो वास्तव में अपने आसपास के लोगों से प्रेम करो। ये नहीं कि वो ऐसा मैं नहीं कर सकता, नो एक्सक्यूज। तुम कैसे थे जब उसने तुम्हारे लिए अपना प्राण दिया, तुम अच्छे थे कि पापी थे? तुमको जब उसने पापी दशा में तुमसे प्रेम किया, तो तुम अपने साथ के लोगों से प्रेम क्यों नहीं कर सकते? जैसे भी हो आपको उनसे प्रेम करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो मिटो, करो या मरो वाली बात। या तो आप प्रेम करें और नहीं करेंगे तो आप मिट जाएंगे, क्योंकि प्रेम व्यवस्था की पूर्ति है। किसी के साथ आपका पंगा है, लिखा किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो भी उसे क्षमा करो, क्योंकि प्रभु ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं लूंगा। अब या तो तुम वो काम करो जो प्रभु का काम है, वो तुम करो तो प्रभु तुम्हें छोड़ दे। आपको निर्णय लेने हैं। इसी तरह यर्मिया 31 अध्याय और उसका 31 से 33 पद पढ़िए। यर्मिया 31 अध्याय का 31 से 33 पद, फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा
वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो अभी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। अब इसका 32 अध्याय, यर्मिया 32 अध्याय और 32 अध्याय का 32 चैप्टर और 32 चैप्टर का 32 अध्याय और 32 अध्याय का है 39 से 42। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल का कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगे कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। ये देखिए, मैं बड़ी प्रसन्नता से के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन अपने सारे प्राण से बसा दूंगा। परमेश्वर खुद ये काम करेगा आपके जीवन में, और केवल हम एक यानी हम लोगों से बात नहीं मांग रहा, हमारे बच्चों और बच्चों के बच्चों से परमेश्वर पूरे वंश की वाचा बांधता है। जैसे हमसे बांधेगा तो हमारे पूरे वंश के, आपसे बांधेगा आपके पूरे वंश के, और इसी आधार पर तो बोला गया यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना या वंश उद्धार पाएगा। आपके विश्वास से आपके वंश का उद्धार होगा। नहीं आया इसमें, ये नई वाचा बता रहे हैं आपको, पुराने नियम में एकदम स्पष्ट बताया था उसने, और यही काम वो नए नियम में करना चाहता है हमारे जीवन में। लेकिन क्या, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में, मन का मतलब माइंड, आपके माइंड में जब तक परमेश्वर की व्यवस्था पूरी तरीके से छप नहीं जाएगी, आपको एकदम याद नहीं रहेगा कि ये नहीं करना, ये नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, तब तक आपको परमेश्वर के सामने समर्पित रहना है। वो आपको पूरा अंदर से नया करेगा, नई सृष्टि बनाएगा। अब ये नई सृष्टि का कार्य है, कैसे कर रहा है वो भी है, और यहेजकेल के 36 अध्याय में निकालिए, यहेजकेल 36 अध्याय का 24 से 27 पद तक पढ़ेंगे। यहेजकेल 36 का 24 से 27 पद। मैं उनको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। देखिए, डबल शुद्धि हो रही है। एक बार मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, यानी वचन के द्वारा शुद्ध हो गए। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से, जो ये हृदय का कथना है, ये हृदय का कथना है, अंदर से भी शुद्ध करूंगा। जी, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे
और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर हमारा कब ठहरेगा? लास्ट में परमेश्वर वो ठहरेगा। पहले हमको ऐसा बना लेगा ताकि वो हमारा परमेश्वर कहलाने के लायक हो। देखिए, परमेश्वर के नाम की निंदा किस प्रकार लोग गलत जिंदगी के साथ उसका नाम लेते तो कितनी निंदा होती। अन्य जातियों में, नए नियम में लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारे कारण मेरी निंदा हो। और सही बात है, अन्य जाति के लोग जब सच्चा जीवन नहीं होता ना, सही जीवन, चरित्र भी सही नहीं, व्यवहार भी सही नहीं, कोई नहीं, जीवन शैली सही नहीं, और जब वो कहते हैं कि हम प्रभु को, प्रभु हमारे पास, हम प्रभु में, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु में, वो लोग ठोकर खाते। ये कैसे हो सकता, ये जीवन, ये चरित्र नहीं है। इससे क्या वो परमेश्वर के नाम की निंदा हो। और यहूदी लोग मालूम क्या गुप्त रखते हैं, कभी नहीं बताते कि मैं कौन। कम से कम परमेश्वर के नाम की निंदा तो नहीं होती उनको, तो परमेश्वर ही जानता ये गलत है, ये पर्सनल रहता परमेश्वर के उनके बीच। लेकिन अन्य जातियों में खुले आम, और ये ढिंढोरा पीटना गंदी बात है। आप अपने आप को जो नहीं है वो क्यों प्रकट कर रहे हो? तुम वास्तव में वो हो नहीं जो तुम अपने आप को जता रहे हो, दिखा रहे हो, बता रहे हो। और जो तुम हो वो अपनी असली आइडेंटिटी जो लोग देख रहे हैं तुम्हारे अंदर, उसको तुम नकार रहे हो। ये परमेश्वर की निंदा है कि नहीं? उसके वचन का भी विरोध है ये। साथ में इसी के साथ एक पद और पढ़िए, 11 अध्याय, यहेजकेल 11 अध्याय और 11 अध्याय का 19 पद पढ़िए। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर संडे संडे चला करेंगे। रोज, नित का मतलब रोज होता है ना, तो आप रोज चलते हैं उसकी विधि पर, आपकी शांति उत्तर देती है कि नहीं। लेकिन ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, ये उसका वायदा है कि जब वो ऐसा करेगा, जब वो आपके जीवन में कुछ ऐसा करेगा तब वो होगा कि नित्य। और इसका 20 पद भी पढ़ दिए, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने। और जब आप मानने लगेंगे, आज्ञाकारी हो जाएंगे, तब वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सर पर पड़ेगी। अब आप जो चाहते हैं वो करिए, निर्णय आपके हाथ में है। कोई दबाव हो तो बताइए, परमेश्वर दबाव डालता है? हम भी नहीं दबाव डालते, हम तो आपको सामने रख दे रहे हैं। उसने जीवन और मृत्यु दोनों का चुन लो, चुनाव आपको करना है। आप अपने वंश के लिए मृत्यु चुन रहे हैं या अपने वंश के लिए जीवन, अनंत जीवन चुन रहे हैं, ये आपके हाथ में। और जो आज आप बो रहे हैं ना, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वही काटेंगे सब। अब आप देख लीजिएगा आप क्या बो रहे हैं, आपका जीवन शैली क्या है, आप किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में है। ऐसे दिन की भविष्यवाणी की है, फिर भी तीनों व्यवस्था विवरण 10-16 यर्मिया 4-4 यहेजकेल 18-31 लोगों से आह्वान करते हैं कि वे अपने हृदय में पहले से ही अनुभव करें कि भविष्य में राष्ट्र के लिए बड़े पैमाने पर क्या भविष्यवाणी की गई है। और वास्तव में पुराने नियम के जो लोग हैं, जो बॉर्न अगेन हुए, उनको संत बोला जाता है। उनका चित्रण ऐसे लोगों का चित्रण है जो नए नियम के आशीर्वाद का आनंद लेते हैं। नए नियम के तहत परमेश्वर अपनी व्यवस्था उनके भीतर डालेगा और उनके हृदय पर लिखेगा। लेकिन यशाया उसका 51 चैप्टर, यशाया उसका 51 चैप्टर, 51 चैप्टर
उसका यशाया का 51 का 7 पढ़िए, 7 पद। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खा जाएगा, परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक। देखा, और लोग नाम धराई से कितना डरते, कभी अपना लोगों के सामने इस बात को नहीं कहते कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम प्रभु को मानते, नहीं बोलते, छिपाए रहते हैं। यहां पर भी देखिए एक चीज, ये भी ये उन लोगों के लिए जो मैच्योर हो जाते हैं, उनको कभी छिपना नहीं चाहिए। इमैच्योर छिपा रहे वो अच्छा है, लेकिन मैच्योर व्यक्ति, स्पिरिचुअली मैच्योर व्यक्ति, उसको तो अपनी सब बातों को लोगों के सामने सच्चाई को कब, यानी गवाही के रूप में मानना है। एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 119 अध्याय की संपूर्णता इसी वायदे की वर्तमान प्राप्ति के लिए प्रार्थना प्रार्थना के रूप में रखी गई। 119 अध्याय में बहुत ऐसे 100 से ऊपर 170-180 आए थे, इनको आप घर में पढ़िएगा, एक बार में नहीं पढ़ सकते, इसको थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। यर्मिया 31 अध्याय और उसका 34 पद पढ़िए, यर्मिया 31:34। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। देखिए, बड़े से छोटे तक नहीं, उल्टा प्रोग्रेशन चलेगा, नई वाचा में उल्टा प्रोग्रेशन है। छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। इसलिए परमेश्वर के ये भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है। और इसके साथ साथ भजन संहिता 25 अध्याय Psalm 25, भजन संहिता 25 अध्याय और 25 अध्याय का भजन संहिता 25 का 7-7, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। बस देखिए, यहाँ पर ये प्रार्थना है, प्रार्थना करता है, मेरी जवानी के पापों मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, और वो उल्लासित होता है ऐसे शब्दों के साथ जो पौलुस के अनुसार विश्वास के द्वारा औचित्य सिखाते हैं, यानी विश्वास के द्वारा क्षमा को सिखाते हैं, जैसा रोमियो 4:6-8 में हमने पढ़ा था। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा हुआ और जिसका पाप ढांप दिया गया हो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका अधर्म यहोवा ना ठहराए। भजन संहिता 32 अध्याय उसका पहला पद, भजन संहिता, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का हिसाब ना ले, माफी मिल जाए और उसकी जिसकी आत्मा में, देखिए जब आपको पापों की क्षमा मिल जाएगी, आपकी आत्मा में अंदर कपट नहीं हो, और अंदर आपकी आत्मा में, मानव आत्मा में कपट है, इसका मतलब अभी आपको पापों की क्षमा नहीं मिली। ये कपट कई रूपों में प्रकट होता है, बदले की भावना में दाह, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, ये सब ये इसी चीज का कई रूप है, ये कई रूपों में आपके अंदर से निकलता रहेगा और ये द्वेष फैलाता रहेगा, नफरत फैलाता रहेगा, झगड़े करवाता रहेगा। और यही बात यहाँ पर वो दाऊद प्रार्थना करके कह रहा है। इसके बाद भजन संहिता 103 अध्याय, भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए, 103 अध्याय का 12 पद, उदयाचल और अस्ताचल से जितनी दूर है,
उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर, आपको समझ में नहीं आएगा उदयाचल और अस्ताचल, पूरब पश्चिम। उदयाचल का मतलब है जहां सूर्य उदय होता है, अस्ताचल जहां अस्त होता है। पूरब, जिस प्रकार पूरब से पश्चिम, ये एक्चुअली दूर नहीं है, ये दो छोर हैं पृथ्वी के, ये कभी नहीं मिल सकते। उसने हमारे अपराधों को हमसे, हमारे पापों को हमसे उतना दूर किया। मसीह में हमारे अपराध इतने दूर हो जाते हैं जितना पूरब और पश्चिम, जो कभी नहीं मिलते, दो पोल। तो आपको एक पोल से उठा के दूसरे पोल पे ले आया, यानी एक सिरे से उठाया दूसरे सिरे पे लाके खड़ा किया। ये है मसीह में नई सृष्टि। पहचानिए, पदों से पहचानिए। आप पोल तो समझते होंगे ना, उत्तर यानी नॉर्थ पोल कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। यहां से उठा के आपको दक्षिण ध्रुव पे ले जाए, ये तो बिल्कुल आपको एकदम उल्टा कर दिया। उत्तर और दक्षिण दोनों में बहुत फर्क है। पुराने नियम के संतों ने क्षमा के वायदा किए गए आशीर्वाद का आनंद लिया। यर्मिया 32 अध्याय का 39 पद पढ़िए, यर्मिया 32 अध्याय का 39 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 39 वर्स। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी। आपको अपने से ज्यादा चिंता अपने बच्चों और बच्चों की होनी चाहिए, वंश की। आजकल के लोग वंश की चिंता नहीं करते, खुद जितना मौज कर लो वो अपने देखें, हम तो अपनी मन, अपने मन की कर। नहीं, पहले जमाने के लोग जो थे वो अपने बच्चों और बच्चों अपने यानी नाती पोतों तक की प्लानिंग करते थे। और आजकल के लोग कि अपना 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 मकसद हल हो, जितने नशेबाज है, जितने अपने, ये सब स्वार्थी, सब अपने मन की कर रहे हैं, किसी को अपने आगे का वंश की कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार। और वंश की बात आती है तो पारिवारिक हो जाता सब, बिना परिवार के वंश कहां होगा। पारिवारिक जीवन, और परमेश्वर के वचन में इस बात पे बड़ा जोर दिया गया पारिवारिक। और इसके साथ एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 86 अध्याय, भजन संहिता 86 अध्याय 86 चैप्टर और उसका 11 पद। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आपको किसकी शरण में चले जाना चाहिए। यहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि क्या कह रहा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, मार्ग मांग रहा है, मार्ग मुझे दिखा, और कह रहा तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। तो सत्य का मार्ग देखना मांग रहा है, मार्ग सत्य और जीवन कौन है। और उसने कहा मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। तो मार्ग सत्य और जीवन तो प्रभु यीशु मसीह है। तो जब आप मसीह के लिए संसार से अपने आप को अलग कर लेते, ये आपकी खुद की इच्छा होनी चाहिए, इसी में परमेश्वर आपको दबाव नहीं डालेगा। आप खुद से अपने आप को अलग कर कि दुनिया के लोग जो कर रहे करें, हम तो प्रभु की इच्छा में चले, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करे। है बहुत सरल, लेकिन बहुत कठिन लगेगा आपको, बहुत कठिन लगेगा। क्यों लगेगा कठिन, क्योंकि आपके लिए ये नई चीज होगी। इसीलिए दाऊद ये प्रार्थना कर रहा है, और ये हम लोगों ने अभी जो पढ़ा ये दाऊद की प्रार्थना है। ऐसे दर्जनों अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं कि कैसे पुराने नियम के संतों ने नई वाचा की आत्मिक आशीषों का आनंद लिया। और यहां कोई गंभीर समस्या नहीं हमको दिखाई देती है, क्योंकि ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्र को दी गई आत्मिक नवीनीकरण की प्रतिज्ञा को कुछ व्यक्तियों द्वारा पहले से ही अनुभव नहीं किया जा सकता था। जैसा कि रोमियो के 11 अध्याय में आइए, रोमियो का 11 अध्याय और उसका रोमियो 11 अध्याय का 7 पद पढ़िए, नए नियम में रोमियो। इसलिए परिणाम का क्या हुआ, ये कि
इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको इसलिए परिणाम क्या हुआ ये कि इजरायली जिसकी खोज में थे वो उनको नहीं मिला परंतु चुने हुए को मिला कठोर किए गए। देखिए इजरायलियों में ये नहीं कह सकते कि प्रभु नहीं मिला, मसीह मिला, किसको मिला? चुने हुए लोगों को मिला और बाकी शेष लोग कठोर कर दिए गए। ये कर कौन रहा था, कठोर कौन कर रहा था? परमेश्वर कर रहा था ना। हमने आपको बताया परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, नेगेटिवली भी काम, दोनों तरह से कौन काम कर रहा? यही तो आप नहीं भूल पाते, यही आप मालूम है लोग कितना गलत सोचते हैं जीवन में आके कुछ गड़बड़ी हो रही है, दुष्ट आत्मा ऊपरी चक्कर। अरे ये दुष्ट आत्मा की मजाल है। परमेश्वर आपको अपने समीप लाने के लिए कुछ तो करेगा जिससे आप वहां से छूट के निकले परमेश्वर के शरण में आए, और जब आप वास्तव में पूरी तरीके से सरेंडर कर देंगे दोबारा आपके ऊपर कोई चीज विपत्ति नहीं आएगी। क्यों? परमेश्वर आपको कंट्रोल करने लगेगा, हर चीज जो आप पर आने वाली होगी उसे रोक लेगा, आप तक पहुंचेगी नहीं, हर वार को रोकेगा। आपको अभी नहीं मालूम है, देखिए आप फिजिकल इजराइल से सीखिए। इजराइल जहां पर है नक्शे में, नक्शा देखिएगा निकाल के और उसके चारों ओर देखिएगा, सब दुश्मन देश है, चारों तरफ 2000 किलोमीटर तक दुश्मन देश है। और इजराइल के ऊपर वो लोग घुसते अटैक तो नहीं करेंगे लेकिन वो हवाई हमले करेंगे, है ना, जलते हुए तीर फेंकेंगे, मिसाइल्स, बाइबल में लिखा हुआ जलते हुए तीरों से मिसाइल्स, और ये मिसाइल इसराइल को भस्म कर दे। क्या चीज है कि इसराइल को बचाए रखे? ये अब्राहम के वंशज हैं, परमेश्वर इनसे कुछ बातों में नाराज जरूर है लेकिन इन्हें मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में इसराइलियों के विषय में एक भविष्यवाणी लिखी कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली, यानी परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है, और उसकी आंख की पुतली को छूने का मतलब भयानक क्रोध, परमेश्वर को छेड़ने का मतलब, ये इसका मतलब होता है परमेश्वर को छेड़ना। और अब इसराइल पर, अगर इसराइल को कोई नष्ट करने की बात करता है तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर ऐसा होगा कि वो खुद नष्ट हो जाए। आप देख सकते हैं ये पॉलिटिकली, आप देख सकते हैं आज तक ये बाइबल को प्रमाणित करती है ये बात कि इजरायली लोगों की शक्ति आप देखिए उनको कौन बचाता है, परमेश्वर ने उनको बुद्धि के साथ साथ उनको बचाव भी करके रखा हुआ है। एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 29 चैप्टर मिला, 29 अध्याय का 4 पद पढ़िए। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंखें और ना सुनने के लिए कान दिए हैं, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष तक लिए फिरा। कितने साल? ये वो यहूदी लोग हैं जिनके हृदय कठोर हो गए थे, ये वो लोग हैं उनके हृदय को नम्र बनाने के लिए जंगल में लेके गया 40 साल तक। और ये परमेश्वर की दवाई है, क्या लिखा है? हाँ, और ना तुम्हारे तन, हाँ, ना तुम्हारे तन के वस्त्र पुराने हुए, ना तुम्हारी जूती तुम्हारे पैर में पुरानी हुई, रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, ये इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। और जब तुम इस स्थान पर आए, हाँ, ओग, आज से थोड़े ना, ये प्राचीन काल से इनके ऊपर अटैक होते आ रहे हैं और ये बहुत ट्रेंड है, इनको सब मालूम है
एक अटैक में ये बता देंगे अटैक के तरीके से किसने किया, उसकी कुंडली है इनके पास। एक और पद पढ़िए जो आपको रोमियो के 9:8, रोमियो 9:8 अर्थात देखिए शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने, यानी आत्मिक वंश वो है जो प्रतिज्ञा की संतान है। प्रतिज्ञा का मतलब प्रॉमिस, परमेश्वर ने हमें एक अपना पुत्र दिया वो प्रॉमिस चाइल्ड कहते हैं यीशु मसीह। जैसे उसने दिखाया कैसे दिया, जैसे उसने अब्राहम को इजहाक दिया था, वो मनुष्य की मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ था, शारीरिक संबंध से वो बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ था, वो परमेश्वर की ओर से वरदान था। ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और ये हमारे लिए वरदान है, और इसके द्वारा जो उद्धार पाएंगे वे परमेश्वर के वंश गिने जाएंगे। शरीर की संतान की अब बात ही नहीं कर रहा है। और आत्मिक रूप से देखिए तो आज संसार में कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर अपना पुत्र और पुत्री बनाना मांगता है, लेकिन क्या आप बनना मांगते हैं? आपकी इच्छा भी तो जानेगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो परमेश्वर का काम आपके जीवन में सरलता से होने लगेगा, और आपकी इच्छा नहीं होगी काम तो करेगा लेकिन आपके नकेल डाल डाल के चलेगा, आप कष्ट में रहेंगे, आप कभी भी सुखी नहीं होंगे, वो आपको कष्टों के साथ खींच के ले जाएगा, इसलिए क्योंकि वो आपके वंश पर अपना उद्धार प्रकट करना चाहता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थि परमेश्वर हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी उद्धार की योजना जो पवित्र शास्त्र अर्थात पुराने नियम में जिसका वर्णन है, जो नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे सामने रखी है, उसमें आप इसी कार्य को तो करना मांगते हैं। हर एक व्यक्ति का जीवन आपको ऐसा समर्पित हो कि आपकी पूरी इच्छा उसके जीवन में लागू हो और आपकी इच्छा में उसका जीवन चले, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा प्रकट हो और उसके वंश में आपका अनुग्रह उद्धार को लेकर उसके पूरे वंशजों में जाए प्रभु, ताकि उसके बच्चे और बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे भी उद्धार का वंश बने और आपकी महिमा का कारण, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।